और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बता दें देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि का जो दौर है लगातार जारी है। बता दें मलराजखंड में 16, खजुराहो में 6.4, मंडला में और वही भोपाल में गरज चमक के साथ 15 मिनट तक झमाझम बारिश देखिए लगातार हो रही है। बता दें बारिश के साथ गिरे हैं ओले, तो मध्य प्रदेश में भी तमाम ऐसे जिले जहां पर बारिश का जो दौर है लगातार जारी है। बता दें मध्य प्रदेश के सभी संभागों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। वही आपको ये भी जानकारी दे दें, गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हो रही है। बेमौसम का लगातार जो बारिश है लगातार जारी है। आपको बता दें मौसम ने अचानक करवट लिया है और ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें तो गरज चमक के साथ 15 मिनट तक झमाझम बारिश हो रही है। वही बारिश के साथ गिरे हैं ओले, आपको बता दें। वही देखिए तमाम देखिए जिले भी आपको बताएंगे, ग्वालियर और डबरा, भिंड और बालाघाट समेत कई जगहों पर ओले गिरे हैं और जिसके कारण आपको बता दें बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जहां इस बारिश की वजह से मौसम सुहाना लेकिन इस बारिश के मार जो है किसानों पर पड़ी है। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको बता दें जिससे आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में 20 मार्च तक बेमौसम बारिश का दौर जो है इसी तरह जारी रहेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने पहले से चेता दिया है। बता दें दो सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गए हैं जिसकी वजह से ओले गिरे हैं। वही मौसम वैज्ञानिकों ने ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने की संभावना भी जताई है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मौके पर महाप्रशासन भी पहुंचे हैं, तमाम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। वही आप दूसरी तस्वीर देखिए जहां बारिश का जो दौर है लगातार जारी है। तीसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस बारिश की वजह से जहां फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वही चौथी तस्वीरें देखिए आपको भोपाल की दिखा रहे हैं जहां बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। वही देखिए आपको तमाम तस्वीरें देखिए बालाघाट की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बादल जो है वो छाए हुए हैं। वही देखिए लगातार तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। वही आपको यह भी जानकारी दे दें आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है, इसके लिए मौसम विभाग ने पहले से ही चेताया है। और इस बारिश की वजह से किसानों के माथे पे चिंता की जो लकीरें हैं वो भी साफ देखी जा रही है। भोपाल, ग्वालियर में भी ओले गिरे हैं। टीवी स्क्रीन पर तमाम जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वही आसमान में अभी भी बादल जो है वो छाए हैं। और वही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी बारिश जो है वो हो रही है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मंदसौर से सीधा रुख करेंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से सामने आ रही है, अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बता दें मंदसौर में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। तो देखिए बता रहे ओलावृष्टि से कश्मीर जैसा नजारा जो है मंदसौर में भी देखने को मिल रहा है। बता दें किसानों के खेतों में तैयार और कटी फसलें जो है वो उस पर संकट जो है वो भी मंडरा रहा है। वही ओले से फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। देखिए आपको मंदसौर से बड़ी खबर बता रहे हैं, मंदसौर में जिस तरह बारिश, जिस तरह से ओले गिरे हैं, आप देखिए तस्वीरें आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा ये कश्मीर का नजारा हो, लेकिन आपको बता दें ये मंदसौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस ओलावृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जो किसानों की फसलें कटकर खेतों में पड़ी हुई हैं उन फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये मंदसौर की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं बर्फ की जो चादर है वो बिछी हुई नजर आ रही है। ऐसा माने ऐसी तस्वीरें लग रही है कि जैसे ये कश्मीर हो, लेकिन आपको देखिए ये मंदसौर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन इस ओलावृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, किसानों की खेतों में जो फसलें पड़ी हुई हैं उन्हें काफी नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह ओलावृष्टि हो रही है किसानों की जो परेशानी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नुपुर सिंह ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नुपुर देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मंदसौर की तस्वीरें, कहने को तो ये मंदसौर जिले की तस्वीरें हैं लेकिन नजारा देखकर हर कोई यही सोचेगा कि ये कश्मीर जैसी तस्वीरें निकल रही है। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा किसानों को लगातार इस तरह की परेशानियां हो रही है, फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया गया है? हुकुम आप तक आवाज आ रही है। और बारिश के साथ में हुकुम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ देखिए बताना चाहूंगा मैं कि मंदसौर जिले सहित पूरे प्रदेश भर में लगातार मौसम परिवर्तन के बाद में बारिश हो रही है और बारिश के साथ में ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जो किसानों की फसलें हैं वो कहीं ना कहीं जो पककर खड़ी थी और कुछ फसलें किसानों ने काट ली थी उसको भी नुकसान पहुंचा है।
और यहाँ पर मंदसौर के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। और इसी ओलावृष्टि के चलते मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सभी सर्वे दलों को आदेशित किया है कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है उसका सर्वे किया जाए और सर्वे की भरपाई शासन जल्द से जल्द करेगा, ऐसा आश्वासन भी सरकार की तरफ से इनको दिया गया है। ठीक है, ठीक है हुकुम, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।